Hey so yeah, प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी तो प्लीज पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा कहीं मत जाना बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे आप और मैं दोनों लोग क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसा होगा कि मुझे नहीं पता कि मैंने पैसे कहाँ आपने वेस्ट कर दिए तो प्लीज आप लोग मत करिए so, yeah, तो मैं बात कर रही हूँ मेकअप ब्रश सेट का रिव्यू करूंगी इसी का आज मैं हम लोग पूरा फुल मेकअप करेंगे आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है इसीलिए ये हालत बनी हुई है तो इसी के साथ पूरा मेकअप लुक क्रिएट करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसा है मतलब वर्थ इट है या नहीं है इसे लेना चाहिए या नहीं सारी चीजों को कवरअप करेंगे तो या यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में जाने से पहले अभी तक तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और छोटे से बेल बटन है उसे भी जरूर हिट करिएगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और ये रहा है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इसकी लिंक

तो या मैं मेरे हिसाब से रिव्यू पूरा इसलिए देखना चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि उस चीज को पैसा आपको देना चाहिए उस चीज में या नहीं देना चाहिए मेन यही है मैं भी बहुत सारी चीजें जब लेने जाती हूँ तो रिव्यू देखती हूँ और मैं सच्ची में रिव्यू एकदम ऑनेस्ट दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली दो सौ तीन भी मैटर करता है यार तो चलते हैं स्टार्ट करते तो या इस तरह की इसकी कुछ पैकेजिंग है और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ है इसमें आपको फोर शेड्स मिल जाएंगे फेस मेकअप के लिए साथ ही साथ आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर अलग से मिल रहा है uh, तो या दिस इज अ वेरी गुड तो ये यहाँ यहाँ पर प्राइज मैंशन तो नहीं है बट मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिला था इसकी एक्चुअल प्राइस मैं यहाँ पे दे दूंगी और डिस्काउंट प्राइस भी मैं दे दूंगी और ये तब से अभी तक ऐसी ही रखी हुई है मैंने इसे खोला भी नहीं और इसे यूज़ भी नहीं किया तो या ही अनबॉक्स करते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं और जस्ट पीछे नॉर्मली कुछ लिखी हुई है और डिज़ाइन बनी हुई है आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीन शॉट लेकर रीड आउट कर सकते हो या अदरवाइज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अदरवाइज़ होगा तो मैं बता दूंगी सो इस तरह से आपको यहाँ पे फोर ब्रश मिल जाएंगे जो फेस के लिए साथ ही तो अच्छा मतलब so करते -करते, आप लोगों को मैं रिव्यू दे देती हूँ जल्दी से कि कैसा है तो सबसे पहले फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन के लिए मैंने ये वाला ब्रश पिकअप किया है इसमें लिखा है टेंस फेस ब्रश ये फाउंडेशन के लिए ब्रश है ये काफी ज्यादा फैट है और काफी ज्यादा फ्लैट टाइप का बना हुआ है आई डोंट नो सामने से आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ से ये थोड़ा सा फ्लैट वे में है और यहाँ से फ्लफीनेस है और काफी ज्यादा अच्छा टेक्सचर यहाँ पे बनाया गया है पैकेजिंग वाइज काफी अमेजिंग है क्लासी एंड टीवी टाइप की और सॉफ्ट है अब आई डोंट नो ये ब्लेंड होगा कि नहीं तो लेट्स सी चलते हैं ब्लेंड करते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है आई I मीन mean, और इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ये ब्लेंड तो हुआ है बट मैं उतना ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बोलूंगी कि ब्लेंड हुआ है फिर मैं पूरा फुल फेस पे कर लेती हूँ सो या मैंने इसे फेस पे पूरा ब्लेंड तो किया है बट uh... सच्ची बताऊं तो ये प्रॉपर वे में ब्लेंड अच्छे से नहीं हुआ है फेस मेरा अभी भी थोड़ा केकी है स्पेशली ये जगह पे बहुत ज्यादा केकीनेस है मतलब प्रॉपर स्मूथ वे में ब्लेंड नहीं हुआ है तो एक काम करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करके देखते हैं ये कैसा रिजल्ट है सो so, yeah, इस तरीके का ये ब्यूटी ब्लेंडर है काफी ज्यादा सॉफ्ट है और मैंने इसे अभी भी जस्ट भिगो कर फिर पानी मैंने निकाल दिया है और ये बहुत ज्यादा फ्लफी हो गया है और ये जो कट बनी है ना ये काफी ज्यादा ईजी हो जाता है ब्लेंड करने के लिए तो यह yeah, लस्सी इसे ब्लेंड करके देख लेते हैं ये कैसा है क्वाइट गुड बहुत ही ज्यादा स्मूद है इसे ब्लेंड करना आप लोग अभी देख सकते हैं मेरे यहाँ जो है डार्क सर्कल के पास कितना स्मूद टेक्स्चर बना हुआ है एज uh, कंपेयर अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो थोड़ा सा अलग सा टेक्स्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो यहाँ पे फिनिशिंग है वो मुझे यहाँ पे अधूरी दिख रही है आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा ये इस तरीके का फेस बेस तो हो गया है थोड़ा सा कंसीलर लगाते हैं और कंसीलर को थोड़ा ब्लेंड करते हैं। so, मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया है और इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने जो ब्रश पिकअप किया है वो है ड्यूलक्स कंसीलर ब्रश आ, काफी ज्यादा अच्छा है आ, इसमें कौन सा आर ये इसका नाम दिया हुआ है पर्पल वे में इसका पूरा बॉटल जो बॉडी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है पर्पल में बना हुआ है काफी ज्यादा फ्लफी है और बहुत ही अच्छे से लगता है ये ब्लेंड होगा और आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा है इसका जो पैकेजिंग है बट आप ब्लेंड करके देखते हैं ये कैसे ब्लेंड होता है स दिस वॉज रियली अमेजिंग काफी अमेजिंग इसका टेक्स्चर है और बहुत ज्यादा स्मूदली ये ब्लेंड हो रहा है इवन uh, जो फाउंडेशन वाला ब्रश है उससे कहीं ज्यादा बेटर ये वाला है काफी अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है और ओवरऑल बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट लग रहा है मतलब वो वाला जब हम मैं उसे ब्लेंड करी थी काफी ज्यादा हार्ड लग रहा था मुझे बहुत टफ लग रहा था उसे ब्लेंड करना और उतना ही ये स्मूथ टेक्सचर है जैसा एक ब्रश में होना चाहिए वो सारे क्वालिटीज मुझे इसमें दिख रहे हैं ये काफी मुझे अच्छा लगा आप लोग देख सकते हैं कितने स्मूदली ये ब्लेंड हो गया है और बहुत जल्दी भी हुआ है ओह माय गॉड ये बहुत ज्यादा अच्छा था अब लग रहा है मैं कुछ हाथ में एक्सपेंसिव सा चीज लेकर कर रही हूँ मेकअप सो अब आते हैं मेन जो है वो है आईज लुक पे बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेकिंग करना चाहूंगी लूज पाउडर से तो उसके लिए एक अलग से ब्रश है मैं उसे यूज करूंगी ये ब्रश है सेटिंग ब्रश ये इस तरीके तरह ओवरऑल इस इसकी आ, आ, पैकेजिंग है बॉडी पैकेजिंग काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रही है ये इसका फ्लफीनेस वाला ब्रश है काफी सॉफ्ट मटेरियल है बट मुझे थोड़ी सी शिकायत है क्योंकि ये निकल रही है मतलब अभी नहीं निकलेगी तो बाद में निकल जाएगी ये ऐसा क्यों है आई डोंट नो बट अब देखते हैं ट्राई करके पता चलेगा ये वर्थ इट है या नहीं okay. बहुत ज्यादा अच्छे से तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट उड़ा क्यों रहा है मैंने तो उड़ाया ही है <coughs> बहुत ज्यादा अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है ये देखिए गई ये लग ही नहीं रहा है। मैंने लिया है और ये लग ही नहीं रहा है हेल इसमें तो तब भी लग गया इसमें तो लग ही नहीं रहा है पता नहीं क्या है ये इसमें ये अच्छे से लग नहीं रहा है ये पता नहीं कैसे लग गया बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद ये थोड़ा सा लगेगा ये आप लोग देख सकते हैं See, अब थोड़ा सा आईज लुक कर लेते हैं देखते हैं ये कैसे वर्क कर सो थोड़ा सा आइस लुक कर लेते हैं ये मैंने ये कंसीलर वाला ब्रश लिया है इसी से आईज लुक करेंगे लिटरली गाइज ये काफी अच्छा ब्रश है काफी अच्छे से ये प्रोडक्ट पिकअप किया और अप्लाई भी हुआ आप लोग देख सकते हैं और एक बार में ये हुआ है थोड़ा सा इसे और हाईलाइट कर लेते हैं I'm really, really, really impressed. ये ब्रश काफी ज्यादा अच्छा है बाकी सब भी ऐसे ही होने चाहिए थे सो so गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने आईज़ लुक कंप्लीट कर लिया है अब आते हैं ब्लश लगाने की बारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप में तो मैं उसके लिए ये वाला ब्रश यूज करूंगी ये है ब्लश ब्रश तो इसका इस तरीके का ओवरऑल पैकेजिंग है काफी ज्यादा ही फ्लफीनेस है इसके अंदर तो हमें लगता है काफी अच्छे से प्रोडक्ट पिक होगा और अच्छे से अप्लाई होगा तो लेट्स सी देखते हैं ये किस तरह से काम करता है so, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ली हूं ओहो आया है थोड़ा सा और लेकर करती हूँ फिर अप्लाई करूंगी देखते हैं ये कैसे काम करता है मैंने बस डैब डैब किया ओ, आप लोग देखिए सच्ची में ये काम करता है हमें तो लगा गया गुडनेस oh काफी ज्यादा अच्छे से ये पिकअप हुआ और काफी स्मूथली ये ब्लेंड हुआ आप लोग देख सकते हैं मुझे जैसे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही ब्लेंड होकर आया है ओह तो हाईलाइटर के लिए मैं ये वाला ब्रश अगेन यूज करूंगी और अपने लुक को पूरा कंप्लीट करूंगी रहा है ये आप लोग मुझे टाइम टेकिंग वाला लग रहा है आप लोग देख सकते हैं और काफी मतलब अच्छे से ये ब्लेंड हुआ भी नहीं है आप लोग देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक काफी ज्यादा अच्छे से हुआ है बट मैं उतनी ज्यादा खुश नहीं हूँ कुछ कुछ अच्छे लगे कुछ कुछ नहीं लगे क्योंकि प्रोडक्ट पिक होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है ब्लेंड करने में भी काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है तो आप लोग अगर बिगिनर हो और आप लोग शुरुआत करना चाहते हो तो इसी प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप लोग जाकर उसको ट्राई कर सकते हो और अदरवाइज आप लोग तो प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट हो तो उन लोगों के लिए ये ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उतना अच्छा नहीं है मैं फ्रैंकली बता रही हूँ अगर कोई इस फील्ड में नया गया है या अभी सीख रहा है ट्रेनिंग बेसिस में उन लोगों को एक अफोर्डेबल ब्रश की ज़रूरत है तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग मास कॉस्मेटिक का ब्रश पिकअप करिए वो अराउंड सिक्स हंड्रेड होता है वो काफ़ी अच्छा है फॉर प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट और कोई भी अगर क्रिएटर ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग अपने लिए एक बार यूज कर सकते हो एक वीडियो बना सकते हो ऑडियंस के लिए और अगर खुद के लिए चाहिए जैसे नॉर्मली तो फिर आप लोग को इससे कम में भी और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो यार आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लेटम कमेंट सेक्शन मैंने सारी चीजों को कवर अप किया है कुछ छूट गया तो प्लीज बताना और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द मिलती हुआ एक अदर वीडियो के साथ